सर आपका बैडमिंटन का जर्नी अगर आप शॉर्ट में कुछ बता सके तो। देखिए, मेरा जो बैडमिंटन का जर्नी है वो स्टार्ट किया था मैंने स्कूल टाइम में। और स्कूल टाइम में जब हम खेलते थे तो बेयर फिट्स भी खेलते थे, आउटडोर भी खेलते थे। फिर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ, स्कूल का फाइनल मैं जीत चुका था। फिर आगे फिर कॉलेज लेवल में, फिर उसके बाद बीएमसी में जब मैं आया तो वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो बहुत सारे टूर्नामेंट खेलने मिले। तो इस तरह से बैडमिंटन अभी भी टच में हूँ। मतलब तो सर अराउंड आपको कितने साल हो गए बैडमिंटन खेल के और कोचिंग करके? एट द एज ऑफ 12 मैंने स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए। 30 इयर्स? ओके, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको सर, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है बैडमिंटन से। राइट ओके सर, राइट ओके सर। सो मूविंग फॉरवर्ड, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर एज अ कोच सर आपको जब आप स्टूडेंट्स को जब ट्रेन करते हो तो आपका माइंडसेट सर कैसा होता है? मतलब मान लो हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखना चाहता है तो हमें अलग अलग तरीके से उसे सिखाना पड़ता है, तो एट द टाइम कोच के माइंड में क्या होता है? एक्चुअली नील जी, जब कोई भी बच्चा आता है, जब उसको राइट फ्रॉम बिगिनिंग हम लोग एज अ बिगिनर उसको सिखाते, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे कि एडवांस कोचिंग करना थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू बिगनर्स, तो बच्चे बहुत पेशेंस के साथ उसको बताना पड़ता है, सो मेनी मिस्टेक्स वो करता है, लेकिन हमें बहुत पेशेंस के साथ उसको सिखाना पड़ता है। तो जो इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस है वो एक लंबा प्रोसेस है, फिर अचानक सडनली उसमें अपने को इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। ओके, तो धीरे धीरे आप कहते थे कि वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है, तो तब यस अलग यस अलग पॉइंट पे आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। अच्छा, अब ये सीख चुका है, अभी ये सीख चुका है, तो हमें इस हाँ। हिसाब से उसे ट्रेन करना पड़ता है। और सिखाते वक्त हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब कि छोटे जो स्किल्स है, छोटे ड्रिल्स है, उसके बाद उसका ट्रेनिंग का लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के फिर हम उसको अगले लेवल पे लेके जाते हैं। ओके यस ओके। तो सर स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग दी जाती है कोचिस या फिर प्लेयर्स को अलग से मेंटली और फिजिकली? हमारे कोचिंग में क्या होता है कि जितना स्ट्रोक प्रैक्टिस, मतलब विथ रैकेट जितना प्रैक्टिस होता है, उससे ज़्यादा हम लोग इनिशियली उसके फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिटनेस इसलिए कि अगर बंदा अगर फिट नहीं रहेगा तो वो स्किल के ऊपर नहीं जीत सकता। तो फिटनेस बैडमिंटन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसका फिटनेस लेवल नहीं रहेगा तो वो 3 गेम खड़ा ही नहीं रह सकता कोर्ट पे, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिटनेस, फिटनेस के साथ स्किल पर, लेकिन पहला फिटनेस लेवल होना बहुत जरूरी यस सर, जैसे आपने अभी अभी कहा कि फिटनेस बहुत जरूरी होता है, तो ड्यूरिंग द कंपटीशन या कंपटीशन से पहले बच्चा काफी डरा हुआ रहता है कि अभी हम कंपटीशन में जाके प्रिपेयर करेंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, तो अंदर से काफी डरा हुआ रहता है, नर्वस रहते हैं, तो सर उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं? है। जब बच्चा कंपटीशन में जाता है तो हम उससे यही कहते हैं कि तुमको जो आ रहा है, जो तुमको सिखाया है वही खेलना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जैसे कि अगर कोई अपोनेंट उसका कोई अलग से खेल रहा है, स्लाइस खेल रहा है या फिर कोई डिसेप्टिव स्ट्रोक खेल रहा है, तो उसको कॉपी मत करो, जो आपको सिखाया गया है वही खेलो। जो चीज़ें ट्राई करनी है वो आपको कोचिंग, ड्यूरिंग द कोचिंग करना है, वहाँ पे जाके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो सिखाया है वही खेलना है। सेकेंड थिंग, जब उसका कॉन्फिडेंस, जब हम मैचेस में जाते हैं, बच्चा जब मैच खेलते हुए रहता है तो कोच उसके पीछे बैठा हुआ रहता है, तो उस वक्त उसको एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस करने के लिए बोलना है, ना कि हाँ चलो इसको 10 पॉइंट से हराना है, 12 पॉइंट से हराना है। और वो कोई मिस्टेक करता है तो मिस्टेक करने के बाद वहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं करना है, कोई भी उसको डांटना नहीं है, उसको क्लैप क्लैप दे देना है, हाँ बहुत अच्छा कर रहा है। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ओके सर, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हो सकता है वो कंपटीशन के लिए और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाए। अगर उसे लगता है मैं अगर एक गेम में हार चुका हूँ तो शायद नेक्स्ट गेम भी हार सकता हूँ या उसके बाद मैं शायद कम्पीट नहीं भी कर पाऊँ। इसके लिए हम लोग मेरा एक सेंटेंस है, जैसे कि लूजर वो होता है जो हारने के बाद अपना एफर्ट छोड़ दे, जो हारने के बाद अपना एफर्ट छोड़ दे वही लूजर होता है, और हारने के बाद जो वापस एफर्ट्स लगाता है, वापस ट्रेनिंग करता है, वापस मेहनत करता है, वो वही खराब, वही एक सच्चा विनर होता है। यस सर, अग्रीड सर।
सर अभी ड्यूरिंग द कोविड सर काफी सर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब बंद पड़े हुए, तो सर ड्यूरिंग सर इसका इम्पैक्ट सर कोचिस और स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़े? पहली बात तो यह है कि कोचिंग बंद होने की वजह से कोचेस की बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बैड है, कि बहुत सारे कोचेस है कि जो सिर्फ बैडमिंटन के ऊपर डिपेंड थे, अपार्ट फ्रॉम कोचेस के बहुत सारे जो स्टाफ है जैसे कि कोर्ट के अटेंडेंट है उनको भी सफ़र होना पड़ रहा है, बच्चे हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई तो कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन खेलना घर में ये बहुत मुश्किल बात है। जैसे कि हम जो बोलते हैं ना कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो थ्योरी का तो हम लोग प्रिपरेशन उनको करवा सकते हैं लेकिन सिर्फ ओरली बताने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग होप कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, क्लब्स सारे शुरू हो जाए, जब जो भी प्रोफेशनल्स हैं बैडमिंटन के वो भी यही होप करते होंगे कि ये जल्द से जल्द शुरू हो जाए। ओके रही बात बच्चे की, कि बच्चे भी अभी उनका फिटनेस लेवल बहुत ही नीचे जा चुका है, उनके रिफ्लेक्सेस बहुत सारी चीज़ें बैडमिंटन में जैसे कि रिएक्शन टाइम है उनका, उनके रिफ्लेक्सेस है, तो ये चीज़ें तो घर पे आएगी नहीं जब तक बंदा कोर्ट पे खेलेगा नहीं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जब बच्चे जो घर पे बैठे तो एज अ कोच आप उनके साथ इंटरेक्शन कैसे कर? हम जूम मीटिंग या गूगल मीट से बच्चों से बात करते हैं। अभी डायनामिक वार्म अप तो हम नहीं ले सकते, तो स्टैटिक यानी जगह पे जो वार्म अप लिया जाता है वो वार्म अप और कुछ चीज़ें के जो रैकेट का ग्रिप कैसा चेंज करना है, रैकेट के कुछ मूवमेंट्स होती है रैकेट की वो आप करते रहिए, इवन कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज उसको मॉनिटर करते हैं कि बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें हम लोग बच्चों के ऊपर मॉनिटर करते रहते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक प्लेयर किसी भी स्पोर्ट फील्ड का हो, अभी हम बैडमिंटन की बात कर रहे हैं, तो बैडमिंटन के बाद चाहे वो अच्छा कितना भी अच्छा प्लेयर हो उसे एक टाइम के बाद रिटायर होना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद अदर देन कोचिंग उसके क्या ऑप्शन वो एक्सप्लोर कर सकते हैं बैडमिंटन? राइट, तो पहली बात क्या है कि अगर वो अच्छे लेवल पे अगर वो खेलता है जैसे कि नेशनल में कोई मेडल लाता है तो डेफिनेटली उसको जॉब तो बहुत अच्छा मिलेगा स्पोर्ट्स कोटा में। इनकेस अगर वो नहीं अगर उसको जॉब मिलता है और उसको कोचिंग भी नहीं करना है तो एज अ फन और फिटनेस के लिए वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है। ओके और बैडमिंटन एक ऐसा गेम है कि दिखने में बहुत आसान है लेकिन फिटनेस के लिए इतना अच्छा है कि वो उसका लाइफ स्पैन भी उससे बढ़ जाए अगर वो कंटिन्यू करता है, तो ये चीज़ें बैडमिंटन फिटनेस वो पैसे से हम नहीं खरीद सकते, उसके लिए खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी फिलहाल सब फिटनेस तो चालू नहीं है तो बच्चे डाइट के हिसाब से नहीं खा पा रहे जितना उनको डाइट चाहिए, अभी मान लो लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो उनका फिटनेस फिजिकल ट्रेनिंग उतना ही मेंटेन करने के लिए आपको उतना एफर्ट देना पड़ेगा और उनको भी इतना एफर्ट देना पड़ेगा, तो क्या डाइट को लेके अभी से इनको प्रिपेरेशन होना चाहिए या फिर वो तब जाके जब ट्रेनिंग करेंगे तभी वो आप कहेंगे कि नहीं अभी आप डाइट चालू करो, अभी आप ये करो, अभी आप वो करो, तो इसका सब प्रिपेरेशन कभी से करना चाहिए? डाइट तो आपको रखना ही है एज अ प्लेयर के तौर पे, क्योंकि अगर वो डाइट नहीं रखेंगे प्रॉपर जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो चलो कुछ ऑयली खाया जाए, कुछ मीठा खाया जाए, वो तो सभी प्लेयर्स को अवॉइड ही करना है जिनको अच्छे लेवल पे खेलना है, तो अभी उनका वर्कआउट नहीं चल रहा है तो उनको ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जब उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा तो उस वक्त उनको प्रोटीन इनटेक उनका ज़्यादा होना चाहिए ताकि उनका स्ट्रेंथ भी बढ़ सके और अच्छा परफॉर्मेंस आए, तो डाइट बहुत ही मैटर करता है कि चाहे वो रेस्टिंग पोजीशन में हो या फिर एक्टिवली या कोचिंग ले रहा हो, तो उसमें अभी भी अगर रेस्टिंग पोजीशन में है तो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स ये चीज़ें ज़्यादा इंटेक करनी चाहिए, ज़्यादा ऑयल या फिर जिसमें कार्ब्स है स्पेशली वो कार्ब्स वाले जो फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए।
क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, बच्चे ये लोग चीज समझ ही नहीं पाते कि जितनी ट्रेनिंग जरूरी होती है उतना डाइट भी जरूरी होता यस यस, ट्रेनिंग के साथ में डाइट, और डाइट और उतना ही रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए। है। यस सर, रेस्ट भी उतना जरूरी होता है क्योंकि मसल को वापस रीगेन करने के लिए उनको उतना रेस्ट चाहिए। एब्सोल्युटली। यस सर, एनी मैसेज आप इस पीरियड में अगर आप देना चाहेंगे जो बैडमिंटन लवर्स है उनके लिए कुछ? मैं तो यही होप करूंगा सभी बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए कि फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो कोर्ट पे आपको जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो घर पे जितना ज़्यादा हो सके आप लैडर यूज़ करो एजिलिटी के लिए। एजिलिटी का ज़्यादा एक्सरसाइज आप कीजिए घर पे। आपके पास अगर कोन्स रहेंगे तो आप टेरेस पे कोन्स के सहारे भी एजिलिटी का एक्सरसाइज कर सकते हो, लैडर के साथ कर सकते हो। लेकिन अपने बॉडी को आप मेंटेन रखो, अपना फोकस फोकस अपना बैडमिंटन पे रखो। बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स बने हैं उन्होंने एज ऑफ 16-17 में भी स्टार्ट करके उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम अदर स्टेट के बच्चे अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हम वो हमसे आगे निकल जाए, ये दिल में एक डर रख के बैडमिंटन के प्रति दूर जाने का कोई फैसला मत लीजिए। जल्द से जल्दी लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद आपको वापस अच्छी तरह से मेहनत करना है, और अगर सच्चे दिल से मेहनत करेंगे और अच्छे डायरेक्शन के साथ में तो यकीनन रिजल्ट तो आने ही वाला है। यस सर, सो मैं सभी बैडमिंटन प्लेयर्स को यही बोलूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खुलेगा और अपना ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। यस सर, आई होप इस मीटिंग से किसी को कुछ गाइडेंस मिला रहेगा या कुछ किसी को कुछ बेनिफिट हुआ रहेगा, तो आगे चल के शायद वो प्लेयर डीमोटिवेट ना हो या कोच हो तो हमारी इस मीटिंग से शायद उससे कुछ बेनिफिट हो सके। यस, थैंक यू सो मच सर। राइट।